बड़े क्रांतिकारी तो मिल गए, लेकिन उसमें वकील ढंग का कोई मिला ही नहीं। वो कहा कि कुछ नहीं होने देंगे, ये होने देंगे, वो होने देंगे, लेकिन जब कागज और कलम की बात होती है, हमारे प्रोफेसर, हमारे वकील प्रोफेसर रतनलाल हमारे साथी हैं, और दिल्ली विश्वविद्यालय में कुंजी लिख लिख करके लोग प्रोफेसर बन गए, और रतनलाल को आज भी प्रोफेसर नहीं बनने दिया गया। डॉक्टर रितु सिंह को निकाल दिया नौकरी से, कल को मुझे भी निकाल देंगे। जरा खोज के देखिए कितने लोग उनके साथ खड़े हैं। हमारा समाज जब कोई शहीद हो जाता है तो उनको याद करने फूल माला चढ़ाने जाता है, जब कोई लड़ रहा होता है तो उसके साथ अकेला हो जाता है। अगर ऐसा नहीं होता तो बिहार वालों, जिस दिन लालू प्रसाद यादव को जेल हुई उस दिन बिहार को बंद हो जाना चाहिए था, नहीं हुआ, क्योंकि आपके लिए लड़ने वाला अकेले जेल में चला गया। जो सामने खड़ा है उसको आप नहीं बचा पाए। अभी शंभू ने कहा ना कि हीरा चोर जेल में है और हीरा चोर इस देश में राज कर रहा है। टीवी पर बैठ करके मैं अपनी विरासत को याद कर रहा हूँ। झूठा आरोप है, वो भी चोरी नहीं किया है। बिल्कुल सही बात, चोरी तो उसके पहले उन लोगों के वारिस ने किया था जो मुख्यमंत्री थे। लालू यादव तो अपने से कहे कि इसकी जांच होनी चाहिए, जो जांच करने के लिए कहा उसी को चोर बना दिया। और इस बात को समझने के लिए, उस विरासत को समझिए, ये अपमान नया नहीं है भाई। मैं कृष्ण पर ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन एक तो बात जरूर कह रहा हूं, आपके आयोजन में कृष्ण लगे हुए हैं। आप जिसको भगवान मानते हो उसको भी माखन चोर के नाम पर चोर बना दिया। अब बताइए आपका अपमान कहां से शुरू हुआ है। बस एक इशारा करके जा रहा हूं। ये बताइए, कोई कितना भी बड़ा ताकतवर व्यक्ति हो, कोई कितना भी अच्छा मित्र हो, वो नंगे पैर दौड़ करके अपने मित्र को बुला कर लाएगा और उसका पैर धुलेगा और पैर धो के पी जाएगा। आज कोई कितना भी बड़ा मित्र हो ऐसा कर सकता है क्या? आपके कृष्ण को पैर धुला के पिलवा दिया, इससे बड़ा अपमान क्या हुआ? एक बहुत गंभीर बात आपसे कहते जा रहा हूं। आप उनकी बनाई हुई कहानियां पढ़ते हैं, उनके नाम पर वो, इसलिए बाबा साहब भी इस बारे में अलग राय रखते हैं। कभी गंभीरता से पढ़िएगा, कृष्ण और शिव को लेकर के इस देश में नया विमर्श करने की जरूरत है। और उस लिए कृष्ण को अगर मुझे मानना होगा तो मैं कहूंगा कि कृष्ण एक कल्चरल और पॉलिटिकल लीडर था, और वो इस देश के लोगों को एक पैगाम दे रहा था कि हम भी श्रमिक और मेहनतकश और शासक लोग हैं। और उन्होंने एक किताब लिखी है, डीडी कौशाम्बी ने, वो इतिहासकार थे, उन्होंने लिखा कि कृष्ण ने एक चालाकी चली थी। जब बाढ़ आ जाती थी यमुना के किनारे, लोगों के घर डूब जाते थे, उनके पशु पक्षी डूब जाते थे, वो बचा नहीं पाते थे, तो कृष्ण एक पॉलिटिकल लीडर था, उसने कहा कि ये बगल में पहाड़ है, चलो ऊपर वहां पर अपना खाना पीना लेकर के, और वहां चलो अपनी जान बचाओ, अपने पशु पक्षियों को बचाओ। वो एक लॉजिकल ब्रेन वाला लीडर था, उसके लिए उन्होंने कहानी बना दी कि पूरा पहाड़ उंगली पर उठा लिया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, एक नई बात आपको बता के जा रहा हूं, उस पर विचार करिएगा। जो सोशल पॉलिटिकल लीडर हैं, अगर उन्हें मिटा नहीं पाए तो तथागत बुद्ध को कहा कि विष्णु के अवतार हैं, और मिटाना चाहे तो उसे अंबेडकर बना दिया कि उनकी कोई किताब ही नहीं छपती थी। याद रखिएगा इस बात को, अपने इतिहास के सच्चे अध्याय को पढ़िए, सही इतिहास पढ़िए। झूठा इतिहास पढ़ने पर हम ओबीसी को अगर ये कहने जाएंगे कि तुम नास्तिक बन जाओ, ओबीसी नास्तिक आज की तारीख में नहीं बने। मैं कुछ व्यवहारिक सवाल आपसे कर रहा हूं, आप उससे कह दीजिए कि कांवड़ ढोने जा रहे हो मत जाओ, चोरी चोरी जाएगा। मैं आपको एक सलाह दे रहा हूं, कांवड़ ढोकर जब आए, घर लौट कर बैठे, जल वल चढ़ा ले, खाली हो जाए, कपड़ा बदल ले, तब बड़े प्यार से मिठाई खिलाते उससे पूछिएगा, बेटा कांवड़ ढो लिए, अब पढ़ने किस स्कूल में जाओगे, नौकरी कौन सी जगह करने जाओगे, एक सवाल का जवाब दे दो, फिर अगले साल कांवड़ लेके चले जाना। हमने समझाने के तरीके में अपमान करना सीख लिया है। बहुत गंभीर बात कह रहा हूं, हम अगर किसी को अपमानित करेंगे तो वो चोरी चोरी जाएगा। क्यों पता है? क्योंकि उसे शिक्षा तो मिली नहीं, जागरूक तो हुआ नहीं, और अंधविश्वास और पाखंड बचपन से भरा जाता है। तो अब जो शिक्षित नहीं है, जागरूक नहीं है, यहां बड़े बड़े लोग शिक्षित हो गए, पे बैक टू सोसाइटी मानवर कांशीराम ने किया है, कितना पे बैक टू सोसाइटी होता है बताइए, कितना इंस्टीट्यूशन, एक आरएसएस बना है, आरएसएस एक कई काम करता है, आपको तो पता ही नहीं, इस देश में 52% ओबीसी है, पता नहीं क्या करता है, मैं भी खोज रहा हूं। आप एक बात बताइए, आरएसएस का एक संस्थान है जिसका नाम है संकल्प, संकल्प हॉस्टल चलता है,
देश के हर जिले में संकल्प हॉस्पिटल बना होगा। आरएसएस में पढ़ने वाला जो दीक्षित होता है उसको उस हॉस्टल में रहने, खाने पीने, पढ़ने और मुफ्त में आईएएस बनने की ट्रेनिंग दी जाती है। हर साल सैकड़ों आईएएस संकल्प हॉस्टल से निकलते हैं जो आरएसएस के लोग होते हैं, और जब वो आईएएस बन जाते हैं तो आईएएस बनने के बाद काम सारा आरएसएस का करते हैं। हम और आप कितने लोगों को आईएएस बनाने के लिए उनकी किताब कॉपी कलम और कोचिंग का खर्चा उठा रहे हैं? एक बात बताइए ना, हम लोग के कम आर्थिक रूप से कम संपन्न है, कितना मीडिया हाउस आपने खड़ा किया है, कितना कोचिंग संस्थान और हॉस्टल बनवाए हैं, कोई कमेटी ऐसी बनी क्या? अभी ये संजय जी बता रहे थे कि ओबीसी वेलफेयर एसोसिएशन बना और उसमें भी झगड़ा करवा के दो पार्टी करवा दिया। हमारे लोग इस देश में सबसे ज्यादा किसी का बिखरा हुआ तो समाजवादी आंदोलन का हुआ। अगर समाजवादी आंदोलन एक रहा होता तो आज पूरे देश पर लोहिया की वरासत और बाबू जगदेव प्रसाद की वरासत वाले लोगों का राज होता, लेकिन इतने टुकड़े में समाजवादी आंदोलन टूट गया, उसका नुकसान किसको हुआ? ये व्यवहारिक सवाल। इसलिए जो मैं कह रहा हूं कि जोड़ने का सूत्र क्या होगा, ओबीसी को केवल एक बात समझाइए, उससे धर्म मत छीनिए, उससे पाखंड छीनिए, उससे अंधविश्वास छीन लीजिए और कहिए तुम्हारे घर में शादी होती है तो किससे पूजा होती है? प्रकृति से होती है। चाहे वो हल्दी हो, चाहे वो दही हो, चाहे वो दूध हो, सब कुछ क्या है? प्रकृति। होली मनाई जाती है तो प्रकृति पूजा है, फसल कटती है तो फसल की पूजा होती है, खेत में महिलाएं फसल लगाती हैं तो गीत गाते हुए लगाती हैं। आप प्रकृति पूजक हैं, जैसे इस देश में आदिवासी है। मैं गया था पिछले दिनों छत्तीसगढ़, आदिवासी जब मुझे बड़े वाले कार्यक्रम में 25,000 लोग वहां खड़े थे और आदिवासी ले गए तो एक जगह कहे कि आपको इनकी पूजा करनी है। मैंने कहा भाई तुम इतना कैमरा लगाए हो मुझे इनसे कह रहे हो पूजा करने का, और हम भी पूजा पाठ का विरोध करते हैं, हम अंधविश्वास पाखंड का विरोध करते हैं, ये किसके पूजा कराना चाह रहे हैं? आदिवासियों ने बताया ऐसे ही एक गमला मिट्टी का था, उन्होंने कहा कि जब हम फसल रोपते हैं ना तो जो पहली फसल तैयार होती है हमारे लिए वो देवता है और उस फसल की हम पूजा करते हैं। तब मुझे लगा कि ये तो प्रकृति पूजन पूरी जाती है। और ओबीसी के खेती किसानी और पशुपालन से जुड़े लोग प्रकृति पूजक रहे, बीच में कोई आ गया जो पाखंड ले आया, कहानी गढ़ दिया, कहीं होलिका की कहानी करके बोले आपकी बहन बेटी को जला रहा है, कहीं कोई कहानी बनाकर कह रहा है कि हमारे यहाँ का बच्चा सूरज पी गया है, तो कोई कह रहा है कि समुद्र पी गया है, कोई मुख से पैदा हो रहा है, और झूठी झूठी कहानियां बनाकर आपके लोगों को डरा दिया और हम आप कमजोर हो गए। एक निवेदन उचित लगे तो मानिएगा, हो सकता है आपकी राय अलग हो। ओबीसी समाज के लोगों को अगर एकजुट करना है तो ओबीसी समाज को नास्तिक मत बनाइए, उसके पाखंड को खींच करके कहिए कि प्रकृति की ओर वापस लौटो, तुम्हारा लोक धर्म लोक प्रकृति है, और प्रकृति के उपासक लोग जिस दिन सब एक हो जाएंगे, चाहे वो मौर्या हो, कुर्मी हो, कुशवाहा हो, चाहे वो यादव हो, चाहे वो नाव चलाने वाले मल्लाह हो, चाहे वो ताड़ी उतारने वाले पासी हो, चाहे वो खेत में काम करने वाले किसान हो, चाहे वो हाथ से श्रम करने वाले जुलाह नाई मोची हो, ये सारे लोग तो एक ही संस्कृति के हैं। जब आप कल्चर जोड़ेंगे तब आज आपके लोग जोड़ेंगे, कल्चर नहीं जोड़ेंगे तो आपके लोग बिखरे रहे। अगर ओबीसी को 3743 जातियों में मंडल साहब एक करके गए तो एक बार विचार आप भी करिए ना कि एक क्यों नहीं हो पाते। दूसरी बात, इतिहास पढ़ाना होगा हमें अपने समाज के लोगों को। महात्मा ज्योतिराव फूले माली जाति के थे और माली जाति के ज्योतिबा फूले होने के बाद एक ब्राह्मण जो उनका परम मित्र था उसकी शादी में चले गए तो वहां पर धक्का मार के भगा दिया ब्राह्मणों ने कि ये शूद्र हमारे यहाँ शादी में क्यों चला है। ये शूद्र वाली परिभाषा किसकी है? उन्हीं की है। घर जाकर के ज्योतिबा फूले पूछते हैं पिता से कि अरे वो मेरा सबसे प्रिय दोस्त था, निकाल दिया। पिता ने कहा गरिमत मनाओ, केवल भगाया है, मारा नहीं है, और अगर वो ब्राह्मणों को तुम ऐसे करते तो वो मार भी सकते थे क्योंकि धर्म विरोध में है। ज्योतिबा फूले को समझ में आया, स्कूल खोलना शुरू किया। 1848 में स्कूल खोला, और जब स्कूल खोला तो भीड़े वाला वहां भी मैं गया हूं, इस देश में जहां पाखंड है वहां वहां बड़ी बड़ी इमारतें बन रही हैं, और इस देश में आधुनिक पहला स्कूल खुला 1848 में, आज भी भीड़े वाला पुणे में जाकर देखिए खंडहर बन गया है और वहां कोई पूछने वाला नहीं है। इसलिए हमारा इतिहास ऐसा है क्योंकि हमने कलम और किताब को गिरवी रख दिया।
महात्मा फूले और सावित्रीबाई फूले को उनके पिता ने पूछा कि या तो तुम घर चुनो या स्कूल चुनो। महात्मा फूले ने क्या चुना था? महात्मा फूले ने अगर अपना घर चुना होता तो एक अच्छे बेटा होते, अगर अपनी पत्नी को लेकर घर में रहते तो अच्छे पति होते, मगर महात्मा फूले ने घर छोड़ दिया और स्कूल चुना, इसलिए पूरे देश के लिए आज सबसे बड़ा अगर क्रांति ज्योति कोई है तो महात्मा फूले हैं, और वो ओबीसी हैं, और ओबीसी घरों के लोगों को ये पता ही नहीं है। ज्योतिबा फूले को इधर ले आने का काम किसने किया? महात्मा फूले। और दूसरा लड़ाई छत्रपति शाहू जी महाराज ओबीसी उन भी जाते और कुर्मी जिसे इधर कहते हैं उनके दरबार में भी मैं गया। जब दरबार में पहली बार जाती जनगणना कराई तो देखा कि 70 उच्च पदों में से 72-70 पदों में से 65 पदों पर केवल ब्राह्मण बैठे हुए हैं।